देश भर में एक और जहां सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए सभी धर्म गुरुओं की ओर से अपील की जा रही है, जिससे कि देश में शांति व्यवस्था कायम हो, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के माध्यम से नूपुर शर्मा को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी पर गर्दन काटने की धमकियां लगातार मिल रही है। अजमेर न्यायालय के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह चौहान के साथ जिला बार एसोसिएशन ने इस संबंध में अजमेर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। अजमेर सोमलपुर के रहने वाले भानु प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि वह एक यूट्यूब चैनल संचालित करते हैं और इस दौरान 3 जून को नूपुर शर्मा और उदयपुर मामले को लेकर उन्होंने डिबेट की थी। इसी बीच कमेंट के दौरान शोएब सैयद नाम के व्यक्ति ने तेरी तो गर्दन कटेगी का पोस्ट कर दिया, जिसके चलते मामले की जानकारी पर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने इस मामले की जानकारी अपने परिवार को देने के साथ ही जिला बार एसोसिएशन को शेयर की। सभी ने सामूहिक रूप से आज अजमेर के एडिशनल एसपी विकास सांगवान से मुलाकात करते हुए उन्हें चैटिंग की कॉपी शेयर करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही जिला बार एसोसिएशन ने धमकी देने वाले व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही अधिवक्ता भानु प्रताप को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। गौरतलब है कि कन्हैया लाल की हत्या से पहले भी उसे धमकी मिली थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और पूरे देश में माहौल खराब हो गया। ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन को इस मामले में जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए, इससे कि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। जी भैया, किस तरह की धमकी मिली आपको? यूट्यूब पर एक वीडियो था चैनल का, उस पर किसी प्रकार की डिबेट हो रही थी, तो उसके नीचे कुछ कमेंट थे, तो कमेंट का प्रत्युत्तर मैं दे रहा था। उस संबंध में मेरी और किसी एक व्यक्ति की एक हेल्दी चैट हो रही थी, जिस बीच में सोहेल सैयद नाम के एक व्यक्ति ने अचानक से कल सुबह मुझे कमेंट में धमकी दी कि अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो इस संबंध में मैंने कल संपर्क पोर्टल पर भी एक शिकायत दी थी और आज क्योंकि बार हमारी मात्र संस्था है, तो वहाँ पर भी मैंने शिकायत दी, डीजी साहब को भी प्रेषित की शिकायत और आज एसपी साहब को भी यहाँ पे हमने शिकायत दी है। किस तरह की धमकी मिली आपको? गर्दन काटने की धमकी। कब की बात है, क्या था, क्या था डिबेट में? डिबेट में ऐसा कुछ विषय नहीं था, नूपुर शर्मा के संबंध में और वर्तमान परिदृश्य में जो हो रहा है, तो वहाँ पर मैंने बस ये कहा था कि किसी की जान लेना सही नहीं है। इसी संबंध में शायद किसी को ये बात गलत लगी या किस प्रकार से उसने इस बात को ली है, तो उसने इस तरह की दी। आपका परिचय? भानु प्रताप सिंह चौहान, एडवोकेट। देखिए, मुझे बताते बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे एक अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह चौहान हैं, जो रेगुलर वकील साहब हैं, उनको यूट्यूब पर किसी सोहेल नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि आपकी गर्दन काट दी जाएगी। जैसे ये मामला बाद में पता पड़ा, बाद में भारी रोष है, हमने डी साहब से संपर्क किया, डी साहब ने कहा कि मैं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करूँगा। अभी एस साहब थे, उसके एब्सेंट नहीं, सागवान साहब से मिले, उनको बताया इस मामला आप गंभीरता से लें, इनको गाड़ दें और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। सागवान साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि मैं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करूँगा, अगर इस पर इसको गंभीरता नहीं ले तो मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है। बाहर में भारी रोष है, हम सागवान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको गार्ड दी जाए, इन्होंने आश्वस्त किया है, अगर गार्ड नहीं दे सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो हमें जनरल हाउस करके आगे कदम उठाना पड़ेगा और इस मामला हम गंभीरता से लेंगे। मैं बार अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर, सुरक्षा की भी मांग करी आपने? बिल्कुल, सुरक्षा मांग करी, सागवान से कहा मैं देखता हूँ सुरक्षा दिलाऊंगा। हाँ, कल देखते हैं, कल तक पुलिस क्या कार्रवाई करती है, अगर वो संतोषजनक कार्रवाई करती ठीक है, वरना हम जनरल हाउस बुला के आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, इसको इतना इजी वे में नहीं लेना चाहिए। पुलिस से मैं ये रिक्वेस्ट करूँ, उसको थोड़ा गंभीरता से ले और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, जो सोहेल नाम का व्यक्ति है उसको मालूम करें, उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बार अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर।